बाकी ये क्या यार, इसमें जो है ना बोलते हैं कि कुछ जो है ना छोटे मोटे कीड़े या जरासीम मारने के लिए काम आता है, संसार की चीज है। बाकी इसके अंदर एक चीज होती है वो, क्योंकि देखो अभी माल को होल्ड कर रहे हैं ना, अगर माल को होल्ड नहीं करना होता तो गंदी सुंदी भी जगह चल जाती, दो तीन दिन माल बिकना है खैर है। लेकिन अब ये सफाई करती है ना तो यहाँ पे सांस का मसला कम से कम आने की टेंशन होती है। अपने कंट्रोल शेड में आप देखते हैं कि बार बार बुलाता है जो अपने नुकसान बता रहा होगा, बताते हैं नेट पे कोई भी नहीं बताता है। मैंने इसलिए मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से कमेंट आए थे ना वैसे प्रोग्राम बढ़ गया। ठीक है, अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा रोजी तो मुझे मिलेगी हर हाल में, चाहे वो 220 दो तीन दफ़ा कुछ कुछ ऐसे रैंडमली कर दिया और उसके बाद ना यूगर का मोटर रुक दिया, तो जिसका डन का मैसेज होगा ना खाली उसको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर लेना। अब 3 2 1 डन करो भाई। तो मैं टर्की ला के डाल लूँ, और टर्की भी मैं 5-6 नहीं 100-150 ला के टर्की डालूँ, सच बताऊँ मैं। उसकी वजह है खास, टर्की की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अच्छा भाई, फैज़ भाई के पास आ गए हैं और आज हमने रैबिट का गिव अवे करना आपको बताया था, लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखाते हैं। सर जी क्या बना रहे हैं आप, ज़रा बताएं मुझे। या ये बेसिकली लुबान है, लुबान को पीस रहा हूँ। क्यों पीस रहा हूँ अंदर जाके पता चलेगा भाई। हाँ देखो, लुबान जो होता है ना बेसिकली वो इस पत्थर में आता है। अगली दफ़ा पिसा हुआ ले लेना, या मुझे बोल देना मैं लालू किससे लेता हूँ। यार हमारी तरफ असल में चीज़ें मिलती नहीं है, आप हमें मुझे बोलना नेक्स्ट टाइम मैं लुबान देना पिसा वाली। सही है, आप हमारी भी लेके आ जाए, क्योंकि वो पता कितना बारीक, वो इतना बारीक पिसा हुआ होता है, बिल्कुल बारीक। अब हम हाथ से पीसेंगे ना छोटे छोटे पत्थर ले जाएंगे, पत्थर देना तंग करेंगे। खैर है, हमें दूनी देनी है तो भाई बेहतरीन काम हो जाएगा। अभी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। ये लुबान लगा हुआ एक तरफ, जो ना ये कोयले रखे हुए, ये क्या वजह है क्या चीज़ें सब दिखाना है आपको। और आज जो है ना दो चीज़ों की अपडेट देनी है, एक तो रैबिट का गिव अवे आपको बता दिया, और दूसरा आज का काम जो है ना दूसरा वो ये है कि हमने आपको ब्रदर की अपडेट देनी है और मार्केट की अपडेट देनी है, क्या सीन चल रहा है, क्या सीनरी चल रहा है, ऐसे ही ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले जरा इसकी दूरी करा दें, उसके बाद फिर जो ना चीज़ों को दिखा के भी निकलते हैं। इसको जितना पीस लिया जाए ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि जितना अच्छा पीसेगा उतना अच्छा जो ना ये धुआं देगा। फिर बता दें पहले खुद ही अपने मुँह से क्या चीज़ तैयारी है। ये बेसिकली लुबान है। हाँ, और बाकी मुझे नहीं पता है कि दूसरा नाम इसका क्या है। नहीं, लुबानी कहते हैं। तो बाकी ये क्या यार, इसमें जो है ना बोलते हैं कि कुछ जो है ना छोटे मोटे कीड़े या जरासीम मारने के लिए काम आता है, संसार की चीज़ है। बाकी इसके अंदर एक चीज़ होती है, वो होती है काले बीज टाइप के, हाँ वो तिल टाइप की चीज़ होती है, तो वो भी ऐड करते हैं ताकि मच्छर वच्छर सारी चीज़ें चले जाएँ। लेकिन इसकी खुशबू जो है ना वो सबसे अच्छी है। अभी अंदर पर्पस इसलिए कि अंदर सफाई करी थी और अंदर जितनी भी थोड़ी बहुत स्मेल है उसको भगाने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा मच्छर और मक्खियाँ वगैरह भी जो होंगे ना उसके लिए भाग जाएंगे, उससे भाग जाएंगे। और इसके अंदर परफेक्ट चीज़ ये होती है कि उसके अंदर काले बीज अगर हो जाए ना तो वो ऐड कर लें, तो वो बहुत उसकी तरह उसकी खुशबू बड़ी खूबसूरत सी होती है, सूंधी सूंधी सी, और वो मुर्गियों को क्या कहते हैं मक्खियों को बुरी भी लगती है। खैर देख रहे हो अभी वैसे सारी जगह की सफाई करी अच्छे से, और अभी जो है ना यहाँ पर बिछाने वाले हैं भाई साहब राइस हस्क, तो राइस हस्क भी बिछेगा, पर उससे पहले जो ना सूखने के लिए छोड़ दिया जगह को। कुल कुछ माल बेचा भी है सर, थोड़ा बहुत निकाला था यार, उसकी भी अपडेट आपको देते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। बंदे ने अभी थोड़ी देर पहले ही सफाई करी है, फिर आपको अपडेट देते हैं। माल कैसे सुकून से बैठा हुआ है सफाई के बाद, जैसे पता लग रहा है इनको जो ना सुकून मिल रहा है। हाँ वो देख रहे हो वहाँ पे सारा माल जमा होकर बैठा हुआ, क्योंकि वहाँ पे फैन चल रहा है अभी, आप देखते यहाँ पे और यहाँ पे जमा होकर बैठे हुए थे, फैन के सामने बैठे हुए थे, सुकून से इनको पता होता है फैन किस तरफ है और क्या इनका सब कुछ सीन चल रहा है। सही है ना भाई? बिल्कुल ऐसी सीन है। अच्छा भाई चेक कर लेते, पहले कोयले चेक कर लो, मैं कह रहा हूँ कि इसमें बचा भी नहीं बचा कुछ है। ये अक्सर वो उसमें आते हैं ना, दुकान पे आते हैं ना, दुकानों पर आते हैं वो आके देना मार के जाते हैं। मंत्र पढ़ना जरूरी है, आपको मंत्र हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में, अगर आप जानते हैं। ये सीक्रेट है भाई, एक दो ना खास किस्म का मंत्र पढ़ना पड़ता है भाई, कुछ भी नहीं है, सिंपल बिस्मिल्लाह पढ़ के करें बस, अल्लाह मालिक है अल्लाह मालिक है। तो भाई इससे बस फायदा पता है क्या होगा यार, अच्छे से जिसे कहते हैं ना सारी जगह पे वो हो जाएगी बेहतरीन करके, दोनों धुआं हो जाएगा। सर जी पैसे दे दें यार, दूनी दे रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ फैन के सामने कर दो, हर फैन के सामने बेहतर काम हो जाएगा, खुद ही देना ही सब कुछ हो जाएगा। हो रहा ही नहीं हो रहा सर जी, कोयले की ऐश उड़ रही है। नहीं तो डाल के तो चेक करो, तो वो उससे कुछ हो रहा नहीं हो रहा, बहुत जल्दी उड़ रहा है, छोड़ दो दे। तो अलग अलग से करना बेहतर ज़्यादा रहेगा यार। देखो उसके आप देख रहे हो ना, उसकी बड़ी खूबसूरत सी स्मेल होती है, मुझे कोई नुकसान नहीं देगी। स्प्रे वगैरह का मैं बताऊँ उतना अच्छा असर नहीं होता, और स्प्रे वगैरह से बहुत गुना सस्ता पड़ता है, ऐसा ही है, बहुत सस्ता भी पड़ता है। दूसरा ये कि जब इंसानों के लिए भी हार्मफुल नहीं है कोई, किसी किस्म की कुछ कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम धुनी दे रहे हैं, सबके लिए अच्छा हो जाता है ये। वैसे मैं आपको बताऊं कंट्रोल शेड वगैरह में नहीं देते भाई, इसलिए हम बता रहे हैं जो घरेलू काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बस थोड़ी बहुत चीज़ें कर रहे हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल शेड में फॉलो नहीं होती, सिर्फ हमारे लिए होती है, और हमारी जो ऑडियंस है वो मोस्टली वही है जो हमारी तरह स्मॉल स्केल पर फार्मिंग कर रही है। तो हो सकता है आप लोग बोले कंट्रोल शेड अंदर आप खड़े हुए देखे कितनी अच्छी खुशबू आने लग गई। हाँ नहीं, बड़ी खुशबू आ रही है, शायद आपको काश आप लोगों को भी आती तो आपको पता लगता किस तरह की खुशबू आ रही है। देख रहे हो बाबा हैं चलते फिरते जो ना, अब समझ में आया माल की मोर्टेलिटी कम क्यों होती है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक बाबा है
वो देना जादू दो करते हुए चलते हैं। तो खैर इससे पूरे उसको देना अच्छे से फैला देगा इसको और उसके बाद कहानी होगी बेहतर। अच्छा भाई नया राइस ऐड कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं ज़रा स्लो स्लो करके और उसके साथ साथ जो आपको आगे की अपडेट अपडेट देते हैं। अच्छा भाई माल जो सेल हुआ है ना फैज़ भाई, अभी रेट रिवील नहीं करना है ना क्वांटिटी रिवील करनी है, ऐसे ही है? ऐसी है भाई, बाद में बताएंगे आपको। अभी सिचुएशन सारी ये है कि जो नया राइस ऐड हो रहा है, एक काम करते ना दो मिनट रुके ज़रा। तो भाई अभी सिचुएशन सारी ये है कि जो ना अभी माल को इसलिए होल्ड करना है कि ज़रा आराम से माल को जगह दे दें। अभी जो राइस ऐड किया है ना माल के जाते जाते टाइम पे, उसकी वजह भी सर यही है ना कि माल थोड़ा टाइम दे दे। या माल टाइम भी दे दे हाँ, और हमारा दिल भी मुतमईन हो जाए। राइस की बात कर रहे हैं अभी, इस पर जो है ना आपको पूरी जेब लग गई है, पूरी जेब लग चुकी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 3-4 हज़ार लगे हैं ना तो कोई मसला नहीं है, बंदा बर्दाश्त कर लेता है। क्योंकि देखो अभी माल को होल्ड कर रहा है ना, अगर माल को होल्ड नहीं करना होता तो गंदी सुंदी भी जगह चल जाती, 2-3 दिन में माल बिकना है खैर है। लेकिन अब ये सफाई करती है तो यहाँ पे सांस का मसला कम से कम आने की टेंशन होती है। जबकि कंट्रोल शेड में आप देखते हैं कि बार बार बुरा चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बार बार चेंज करने का रीज़न क्या है कि माल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दे और ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन काम की चलती रहे। खैर भाई 2-3 फीट के बैग डालते हैं, वो बुरादे के बैग डालते हैं, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। सही है? अच्छा भाई फीट वगैरह डाल दिए, अब ज़रा बिजनेस का आइडिया लेते हैं, ओवरऑल क्या सीन चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। मुझसे एक भाई पूछ भी रहे थे कि भाई फैज़ के माल का क्या बना है, तो भाई फैज़ के माल की अपडेट आप ले लिया करो, फैज़ के चैनल डायरेक्ट विजिट करा करो, डेली ब्लॉग आते हैं। सर जी नाम एक दफ़ा दोबारा बताया, HF डेली अपडेट्स, HF डेली अपडेट्स, तो जाके डायरेक्ट सर्च कर लो, सिर्फ आपको ब्रॉयलर की मिलेगी उसमें, सिर्फ ब्रॉयलर मिलेगा। और मेरे ख्याल से यही वाला जो फ्लॉग है ना आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, मैं तो हफ्ते में एक आध दफा जाके रिकॉर्ड करता हूँ, कभी 2 दफा भी हो जाती है, डेली अपडेट है आप, तो उसमें आपको डेली की अपडेट मिलेगी एक एक चीज़ की मार्केट में, बहुत सारी चीज़ कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है इंशाल्लाह जो आपको जरूर सीखने को मिलेगी। सर जी आप बताएं क्या प्लान है इसको लेके, और इस तरह रेट की सिचुएशन चल रही है 220, 215, 230 इस तरह का रेट आया आजकल मार्केट में, कब तक होल्ड करोगे, कब तक का गेम चलाओगे? देखें वलीद एक तो चीज़ मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों सूरत हाल में ना मैं जो हूँ ना मेंटली प्रिपेयर हूँ। सही बात है कि अगर मैं जो हूँ ना सीधी सी बात है कि अगर मैं किसी भी एक चीज़ में नहीं होता ना तो आप ये समझें कि अगर जिस तरीके से रेट हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि इसमें कितना लॉस है। देखिए अगर रेट गिरता है, अल्लाह ना करे जिस तरीके से हुआ है, दुआ यही कि रेट वापसी आए, तो उसमें सीधी सी बात है कि 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान भी है। लेकिन मैं दोनों सूरत हाल में मेंटली प्रिपेयर हूँ, मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर मैं अगर इसको सिर्फ लॉस में देखूंगा ना, मैंने हमेशा से बताया कि पूरे साल की कैलकुलेशन लेके चलें। सही बात है, अगर इसमें लॉस देख रहा हूँ ना मैं तो उसका मैं प्रॉफिट नहीं देख पाऊंगा, जो मेरे पास 56 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है 500 में। सही तो बात सारी है कि देखें उसके अंदर 56 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, इसके अंदर अल्लाह ना करे अगर कोई नुकसान होता भी है तो दुआ तो वैसे है कि आप लोग से भी गुजारिश है कि दुआ करें, अगर नुकसान होता भी है तो इस चीज़ में बेफिक्र हो जाएंगे। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि फैज़ जो है ना वो उसका प्रोग्राम बढ़ गया, कमेंट आ रहे थे आपके पास, लोगों को देखो शर्म आनी चाहिए, फैज़ का प्रोग्राम बढ़ गया। सच में कितनी गलत बात है कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, दूसरा अपनी जो ना मैं आपको बताऊँ कोई बेवकूफ तरीन इंसान होगा जो अपनी गलतियाँ बता रहा होगा, जो अपने नुकसान बता रहा होगा, बताते हैं कोई नेट पे? कोई भी नहीं बताता है, मैंने इसलिए मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से कमेंट आए थे ना फैज़ का प्रोग्राम बढ़ गया, ठीक है, अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा रोज़ी तो मुझे मिलेगी हर हाल में, चाहे वो 220 रुपये का रेट हो, अगर अल्लाह पाक ने नुकसान लिखा है तो उसमें भी बेहतरी होगी। मैं दोनों सूरत हाल में जो हूँ ना वो मैंने आपको बताया कि दोनों सिचुएशन में मेंटली तैयार हूँ, क्योंकि ये कि भाई काफ़ी जो है ना मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी डिप्रेस में था मैं, ना मैं सही से बात कर रहा था। वलीद भाई आप भी बताओ, आज से भी मैं किसी कनेक्शन में नहीं था, मैसेज किया जबकि मेरी से बात डेली होती नहीं है, आप समझने का दिन बात ही होती है, हल्के फुल्के मैसेज होते हैं, खुद मैसेज किया मैंने भाई जान परेशान नहीं हो, जो होता है वो होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब बस बंदे की मेहनत लगी होती है ना उसका दिल दुखता है। सबसे ज़्यादा मुझे नुकसान जो है ना मुझे ये होता है कि मेरी मेहनत है, बस और कुछ भी नहीं है। देखें फिर मेरे जो है ना आपने बताया, दूसरे लोगों ने बताया, सबसे ज़्यादा मेरे अब्बा ने मुझे सपोर्ट किया, अम्मा ने सपोर्ट किया, तो देखें जब मुझे इस तरीके से पीछे कोई बैकबोन में सपोर्ट मिल रही है और आपके व्लॉग देखे जा रहा हूँ, जब मैंने आपको वो व्लॉग देखा कि वो जो अल्लाह पाक उनका जल्द से जल्द जो है ना उनका वो करें, क्योंकि नुकसान हुआ है, अच्छा खासा मेरे ख्याल में अली नाम है ना उनका, मोहम्मद अली नाम, मोहम्मद अली, तो भाई यही है कि उनका नुकसान जल्द से जल्द कवर हो। और यही है कि भाई देखें जब चीज़ें आपस में आप देख दूसरे को देख रहे हो ना थोड़ी सी मोटिवेट भी हो रहा है, लेकिन ये कि देखें वो चीज़ खुशी नहीं रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस सूरत हाल में जो हूँ ना ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मैं ये बोलूँ कि भाई बेकार तरीन काम है मैं नहीं करूँगा, इंशाल्लाह आगे वक्त पे आपको देखिएगा ये फ्लॉग निकलेगा 10-15 दिन बाद इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ आपको फ्लॉग डाल के दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह दिखेगा अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि जाहिर सी बात है डर के भागने वाले नहीं होते, वो बेवकूफ होते जो एक ही फ्लॉग निकल के भाग जाते हैं। अच्छा जी पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ चलो ये तो ये हो गया कि खुदा ना करे क्या अल्लाह खैर करे, ये बताओ स्ट्रेटजी क्या है अगर बचाना है ना अपने आप को किस तरीके से, तो क्या सोचते हैं? जो मेरा दिमाग है ना वो ये है कि देखें इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 किलो
2100 ग्राम वाले माल है। तो इसके अंदर ये करूंगा कि सबसे पहले अब देखूंगा मैं कि दो तीन दिन से देख रहा हूँ कि रेट जो है ना थोड़ा सा 216 पे भी आया था, अब आज जो है 236 पे आया है। तो मैं देखूंगा जहाँ मुझे 250 पे भी ये मिल गया ना, कल परसों का रेट देखूंगा मैं 40-50 माल यूं निकालूंगा झटके में। हाँ। और 2-3 दफा झटके में माल निकालूंगा तकरीबन 200 किलो। सही है। अब उसमें ही फायदा मुझे ये होगा कि 200 किलो जो मैं माल निकालूंगा ना उसमें मेरे पास फीट की कॉस्ट हो जाएगी, फीट के पैसे मिल जाएंगे, मतलब जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे। सही बात है। अब वो फीट के पैसे आए, मैंने इनको फीट खिलाया, माल को दोबारा से अगेन होल्ड करके गया। होल्ड कौन सा माल करूंगा दोबारा से बता देता हूँ भाई, आपको पकड़ के दिखाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा। जो हर फ्लॉक में चिली मिरी रह जाते हैं ना फीमेल है, सही बात, उनको होल्ड करूंगा। फीमेल होल्ड कर लेगा और मेल जो ना सरकार मेरा देखिए मुझे मेल लग रहा है, नहीं फीमेल है ये, फीमेल है। तो उसका पता फायदा क्या होगा, देखिए अगर ये सपोज करते हैं कि 200 माल और निकाल देता है, सपोज कर लेते हैं हम 200 या 200 केजी, 200 केजी, 200 केजी तकरीबन 100 किलो और माल निकाल, 100 दाने और निकाल देता है, तो ये जो जगह आपको दिख रही है ना ये अच्छी खासी और खुली हो जाएगी। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी के हिसाब से बेहतर है, खुला हुआ है और खुली हो जाएगी ना, उसमें मुझे ये फायदा होगा कि जैसे राइस एक्स ऐड करना पड़े राइस एक्स भी टेंशन नहीं होगी। सही बात है। और ये कि भाई खुला खाएंगे फीड भी तो किसी किस्म की वो प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये कि अल्लाह मालिक है यार जो नसीब में लिखा होगा। इस पूरी स्ट्रेटजी से फायदा क्या होगा, बेसिक ये फायदा होगा कि 100 दाने निकलने पे जगह खुली हो गई तो वही माल तकरीबन 10-15 दिन होल्ड कर सकता है। मैं आपको बताऊँ इंशाल्लाह ताला मेरा दिल कहता है कि 10-15 दिन में अल्लाह ने चाहा तो रेट बढ़ेगा और अल्लाह रोजी देगा। और यही है भाई, आप लोग को भी मैं बोलूँगा जो लोग ने प्लॉग डाले में तो मायूस नहीं हो, मुझे पता है इसके बाद भी दोबारा से हेट कमेंट आएंगे कि आप लोगों ने बोला था रेट ऊपर होगा। देखिए मैं हमने ये भी बोला था कि दोनों सूरत हाल में हमने प्रीवियस को एक वो दिया था और कोई हमारा वो मतलब नहीं था, हमारा अपना फ्लॉग डला हुआ है भाई, किसी का कोई वो नहीं डला हुआ। तो जाहिर सी बात है कि हमने भी अपने उससे देख के डाला था, लेकिन आप लोग मायूस ना हो, अगेन बता रहा हूँ अगर अल्लाह ना करे किसी को नुकसान होता है, मुझे नुकसान होता है, किसी और को होता है, पूरे साल की कैलकुलेशन लेके चले, ये मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको नुकसान नहीं होगा पूरे साल में। अच्छा इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फैज़ ने बात बोली ना पूरे साल की कैलकुलेशन से ये मुराद है कि साल में अगर 7-8 फ्लॉग डालते तो हो सकता है कि 2-3 नुकसान में जाए, लेकिन जो 5 फायदे में जाएंगे ना अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उसमें से आपका प्रॉफिट। अगर आप सीधी सी बात है ना, आप ये देखें लास्ट व्लॉग में 56,000 का प्रॉफिट। हाँ। अगर ऐसे एक और व्लॉग दो व्लॉग और निकल जाते हैं, मैं बोलता हूँ 50 का राउंड फिगर लेके चलें, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। सही है। अगर इसके अंदर मेरा जो है अगर समझे 60,000-70,000 का लॉस है, दो व्लॉग में और लॉस है, तो वो कवर हो गया? नहीं इंशाल्लाह आप देखना यार, बेफिक्र हो जाओ मेरी दुआ। नहीं मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, लोग हम दोनों सूरत हाल में आपको बताया कि काम कर रहा है, जरा बता दी कि कैसे क्या हो सकती है। खैर अभी इसको यहीं पर एंड करते हैं सर जी, हमने गिव अवे करना है रैपिड का, चलो कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद देना फिर गानी को वीडियो को एंड कर देते हैं, सही ना सर? आए अच्छा भाई, आप लोगों को गिव अवे के लिए बहुत ज़्यादा वेट करा दिया, लेकिन वो वजह ये थी कि भाई ब्रॉयलर का आपको अपडेट देनी थी और आप लोगों को थोड़ा सा जान में जान लानी थी, जो लोग काम को लेकर सोच रहे हैं ना, बाकी नेगेटिव लोगों को सलाम। अच्छा भाई तरीकाकार क्या था मैं आपको बता दूँ गिव अवे का, सबके नाम नहीं लिख रहे बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 हफ्ते पहले अपलोड हुई थी वीडियो, 200 के सब्सक्राइबर पर मैंने कहा था कि जो आप लोग बताएं कि किस पे हमने हाँ उस पे करना है, तो अब तरीकाकार क्या है बताओ ज़रा। या देखें हम सिंपल जो है ना इसको स्क्रॉल करेंगे तेजी में 2-3 दफा और जिसके आके रुक गया ना उसका हो जाएगा। अच्छा अंगूठा कहाँ पे रखोगे, अंगूठा किसी फिक्स जगह पे रख देना जल्दी से, आप करके बताओ। नहीं नहीं मैं आपको बताऊँ ना यूँ करना है, तो कुछ ऐसे करते हैं यूँ स्पीड में करा, यूँ 2-3 दफा खुद ही रैंडमली कर दिया और उसके बाद जो ना यूँ करके अंगूठा रुक दिया, तो जिसका डन का मैसेज होगा ना खाली उसको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है ऐसे कर लेना। अब 3-2-1 डन करो भाई। एक आ गया, कौन सा आया ये? मलिक 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 राफे पता नहीं क्या बड़ा लंबा भाई ये इनका नाम है, इनके ऊपर आया, अगर इनका डन हो जाता है तो सही है। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में अगर इन्होंने कांटेक्ट कर लिया तो भाई आपका हुआ, एक और कर दो, अगर उन्होंने 2 दिन में कांटेक्ट नहीं किया तो फिर हम उस दूसरे बंदे को चले आएंगे, ठीक है ना? दोबारा से कर लेता हूँ मैं, 2 बंदे हो जाएंगे, पहला वो बंदा है, अगर उन्होंने कांटेक्ट कर लिया तो भाई उनके हो जाएंगे। भाई स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं नीचे से भी कर रहे, बट डन कर दो, डन जल्दी से पकड़ लो। स्पोर्ट्स वर्ल्ड 2126 जिसने 2 दिन में पहले कांटेक्ट नहीं, पहले वो मलिक साहब ने 2 दिन में कांटेक्ट कर लिया तो सही है, नहीं किया तो फिर उसके बाद इनका है, डायरेक्ट इनको मिल जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे वो थे ना यार जिनसे हमने वो लिए थे उमर साहब उनके भी 2 जो ना डन हो चुके, सही है वो भी जिस टाइम अपने कहेंगे ना अपने साथ डन कर ले कहानी अपनी देख लेंगे। चले भाई रैबिट वाला हमारा काम हो गया, अब हमें कुछ नहीं कह सकते, अब तो अच्छे खासे बड़े हो गए 3 हफ्ते में वो जो ना बच्चे भी, और वो आपको जरा दिखा देते हैं। फैज से भी फारिग हो गए और आ गए वापसी अपने गरीब खाने में, और माशाल्लाह से गरीब खाने में आप देख रहे हो टर्की कितने प्यारे लग रहे हैं, 1, 2, 3, 4 चारों को चारों बाहर घूम रहे हैं, वरना एक हमेशा तो ना एक ना एक छुपा हुआ रहता है, और माशाल्लाह से अच्छे खासे साइज में बड़े हो गए। आप लोग क्या कहते हो यार, अल्लाह करे मैं जगह देना बड़ी तो मैं टर्की ला के डाल लूँ, और टर्की भी मैं 5-6 नहीं 100-150 ला के टर्की डालूँ। सच बताऊँ मैं उसकी वजह है खास, टर्की की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और टर्की को कुछ नहीं होता, जबकि मुर्गी जो है ना उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वो होती है सेंसिटिव होती है मुर्गी थोड़ी सी, तो जल्दी देना उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और फिर देना उसमें डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खैर
दाना हमने डाल दिया सबको, और ये देखा जादू करके दिखाया इसने, यहाँ था ये यहाँ से उड़ के यहाँ पर आ गया है। मैं उनको थप्पड़ भी नहीं लगा सकते, इनके चक्कर में स्ट्राइक आ गई है मेरे पास। वैसे ही मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइक की कहानी क्या बनी, कल एक जुल्म हो गया हमारे साथ यार। तो खैर कुछ नहीं होता जिंदगी का हिस्सा, मैं आपको इंशाल्लाह कल बताता हूँ कि यूट्यूब पे हमारे पे स्ट्राइक आई है या नहीं आई, कैसे आई है, क्या वजह बनी है। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो का एपिसोड का वेट करेगा, अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह उसके आपको अपडेट देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो भाई शेयर ज़रूर करेगा। साथ साथ अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मजीद डिटेल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डन लिखकर मैसेज कर देगा, मैं आपको कोर्स की डिटेल शेयर कर दूंगा। और कोर्स जो है वो बेसिकली फार्मिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल से ज़्यादा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में हमारी जो डिग्री है ना वो भी BS पोल्ट्री साइंस की चल रही है। तो खाली कोर्स नहीं है, कंसल्टेशन भी साथ में इंक्लूड है, कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बिगिनर फार्मर के लिए भी, एक नए फार्मर के लिए हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, अभी एक बंदा जो कंटिन्यू काम कर रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस भी है साथ में एजुकेशन भी है। तो उम्मीद करते हैं ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को अगेन 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 लाइक कर देगा। दूसरी दफ़ा मैं आपको कह रहा हूँ, मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।